दोस्तों आपका जरूर याद होंगे मैट कूनेमन जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेले भी थे। विराट कोहली को उन्होंने लगातार परेशान किया था, रोहित शर्मा को भी उन्होंने परेशान किया था। दिल्ली टेस्ट में उन्होंने अपना डेब्यू किया, इंदौर टेस्ट में यानी तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया था और काफी यादगार रहा उनके लिए सब कॉन्टिनेंट में आकर 5 विकेट हॉल लेना। तो दिल्ली टेस्ट के बाद आपको याद होगा कुछ खबरें वायरल भी हुई थी रविंद्र जडेजा और मैट कूनेमन के बारे में, कि मैट कूनेमन ने रविंद्र जडेजा से कुछ टिप्स मांगी थी कि सब कॉन्टिनेंट में बॉलिंग कैसे की जाए या मैं अपनी गेंदबाजी को और कैसे निखार सकता हूं। तो रविंद्र जडेजा ने कहा कि अभी नहीं, अभी सीरीज चल रही है, लेकिन मैं आपको आखिरी टेस्ट के बाद यानी कि जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तब जो है जरूर बताऊंगा, आपको टिप्स दूंगा कि आप कैसे अपनी बॉलिंग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पर रविंद्र जडेजा अपने मैन ऑफ वर्ड निकले और रविंद्र जडेजा ने जरूर 15 मिनट तक डिस्कशन किया मैट कूनेमन के साथ था जब अहमदाबाद टेस्ट खत्म हुआ। तो मैट कूनेमन ने खुलासा किया कि रविंद्र जडेजा ने बताया कि कैसे वो सब कॉन्टिनेंट एरियाज में, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस पे, सब कॉन्टिनेंट की पिचों पर अपनी गेंदबाजी कैसे कर सकते हैं, जो कि मैट कूनेमन ने कहा कि उन्होंने मुझे काफ़ी टिप्स दी और जो मेरे लिए काफ़ी काम की हैं सब कॉन्टिनेंट में भी और बाहर भी, जब वो या तो ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे या इंग्लैंड में खेलेंगे या कहीं भी खेलेंगे वो भी बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि वो मेरी गेंदबाजी से बहुत इंप्रेस्ड हैं और साथ ही साथ नेथन लायन की भी गेंदबाजी से इंप्रेस्ड है और टॉड मर्फी की गेंदबाजी से भी इंप्रेस्ड है। और टॉड मर्फी की तो उन्होंने तारीफ करी काफ़ी स्पेशल तरीके से कि टॉड मर्फी ने जिस प्रकार की गेंदबाजी करी बहुत इंप्रेसिव थी। साथ ही साथ मैट कूनेमन ने एक और बात बताई कि इंस्टाग्राम पे रविंद्र जडेजा ने मुझे मैसेज भी करा, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी हम्बल इंसान है रविंद्र जडेजा और आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने मेरी हेल्प करी। और उन्होंने कहा कि जब भी आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए या आप कुछ पूछना हो, कुछ टिप्स चाहिए हो, जो जो मुझे आता हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और आपकी हमेशा हेल्प करूँगा। तो ये काफ़ी हम्बल नेचर है रविंद्र जडेजा का, हमेशा आउट ऑफ द वे जाकर यंग प्लेयर्स को हेल्प करते हैं और खुद देखें कितने दिग्गज जो है बन चुके हैं रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और कह सकते हैं ऑलराउंडर। बल्लेबाजी तो खैर खूब है उनकी, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने इस पूरी सीरीज में विकटें ली बहुत काबिलियत तारीफ है। और मैट कूनेमन ने खैर 3 मैचों में 9 विकटें लेकर दिखाई और अच्छा प्रदर्शन किया स्पिन से। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि देखिए जिस हिसाब से इंदौर पिच है मुझे तो मन है कि मैं यहीं पर रह जाऊं और यहां पर लगातार गेंदबाजी करूं, क्योंकि देखिए इतना टर्न था उस पिच पर और कोई भी स्पिनर्स को पसंद आएगा इतना टर्निंग विकेट जहाँ पर उनकी गेंद जो है इतना टर्न हो और उनको मदद मिले। और साथ ही साथ मैट कूनेमन ने कहा ही था कि मुझे पसंद है वो विकेट पूरा का पूरा और यहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ, पर लेकिन रविंद्र जडेजा ने जो है उनको टिप्स दी आउट ऑफ द वे जाकर। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने याद रखा कि मुझे इस नए खिलाड़ी को टिप्स देनी है, जैसा कि मैंने बोला था सीरीज के बाद दूंगा। ये आउट ऑफ द वे जाकर एक यंग प्लेयर के लिए कंसर्न दिखाना रविंद्र जडेजा का बड़प्पन है। और साथ ही साथ राहुल द्रविड़ भी जैकि टॉड मर्फी, नेथन लायन और मैट कूनेमन के बारे में तारीफ कर चुके हैं कि उन्होंने बहुत दिग्गज स्पिनर्स का नाम लिया और उनके साथ जोड़ा इनका नाम कि ग्रेम स्वैन और मोंटी पनेसर के बाद हमने ऐसा क्वालिटी स्पिन अटैक ऐसी कंडीशंस में और इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में फेस किया है। तो वो ये तीनों थे, यानी कि इन तीनों का ट्रियो था, टॉड मर्फी, नेथन लायन और मैट कूनेमन। तो ये राहुल द्रविड़ से ऐसी तारीफ आना और कंपैरिजन भी देखिए किससे हो रहा है, अब ग्रेम स्वान और मोंटी पनेसर से, तो अपने आप भी जो है बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप रविंद्र जडेजा के इस बिहेवियर के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।